हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ की लेक्चर नंबर 28, चैप्टर का नाम है बाबलू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोग बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड असंग जनन और अनिषेक जनन और भ्रूणोद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबलू, इससे पढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लेते हैं। ये तो है चेला, पढ़ाई का तो खेला, छोड़ने से ना छूटे बायोलॉजी का टोपी। तो चलते हैं आगे की ओर बिना लेट की हुई। बालों, बहुभ्रूणता क्या है? पॉलीएम्ब्रियोनी, कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। देखो, पहले समझना क्या कि बहुभ्रूणता है क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या। पॉली माने बहुत सारे होता है, एम्ब्रियोनी माने भ्रूण होता है, बहु माने बहुत सारे होता है और भ्रूण माने भ्रूण होता है। यदि बाबू लोग कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, यदि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण, एक वो बीज है और उसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाता है, उसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। बताओ, ऐसे तो यहाँ इस टॉपिक से तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि सर, जब एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण हो उसी को कहते हैं बहुभ्रूणता, अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो पॉलीएम्ब्रियोनी। तो कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इस स्टेज को बहुभ्रूणता कहते हैं। आगे की ओर, सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। ये ऑलवेज हम लोग भी जानते हैं कि एक बीज में मात्र एक ही भ्रूण का विकास हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं बाबू लोग, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, और जब एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। बहुत लोग, सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। एक बीज में कितने भ्रूण का विकास होती है? मात्र एक ही बीज का विकास हो पाता है, ठीक है। ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसमें बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। बहुत लोग, आपको एकदम ट्रिक से याद हो जाएगा कि सर्वप्रथम लिवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में बहुत लोग संतरे में एक से अधिक भ्रूण को देखा था। बहुत लोग, संतरा जो होता है खाने वाला, उसमें जो लिवेनहॉक ने जब संतरा को लिया और चूसने लगा, तो चूसने की उम्र कब होता है? 1719। अरे, चूसने की उम्र कब होता है? लेकिन हॉकेगा तो बताओ, संतरा लिया था तो ऑरेंज हुआ तो लगा कि गेंदा, तो गेंदा नहीं था, ओकरा में एक से अधिक क्या था बाबू? भ्रूण था। और जब एक से अधिक उसमें एम्ब्रियो था तो बाबू लोग लिया के बाद चूसने की उम्र, चूसने की उम्र कब होता है या लेने का उम्र कब होता है? तो लिवेनहॉक माने लेके हॉक दिया, कब? 1719। तो बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम 1719 में लिवेनहॉक ने किए थे। किक्रम सर जी, तो संतरा में, किसमें? संतरा में किए थे। तो बहु लोग, आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुभ्रूणता, कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, माने जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। और इसका खोज सर्वप्रथम लिवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में लिया, कब जाता है? 1719 वर्ष में लिया जाता है, तब लेके हॉक दिया, उसे कहते हैं लिवेनहॉक। असंग जनन, देखो बाबू लोग, असंग जनन माने होता है अपोमिक्स। देखो, आ माने नन, असंग माने साथ में, जनन माने जनन। तो पहले था बाबू रे संग माने साथ में, पहले था संग में साथ है, माने जब साथ में रहता था मेल और फीमेल, तब बाबू लोग क्या करता था? रिप्रोडक्शन करता था। क्या करता था बाबू लोग? रिप्रोडक्शन करता था। तो बताओ, साथ में किस में रहा जाता? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, माने जिसमें लैंगिक जनन होता है उसमें दो व्यक्ति होता है, माने साथ में होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो जब साथ में एक दूसरे से होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाबू तो उसे क्या कहेंगे? असंग जनन, माने वैसा जनन। देखो, पहले संघ में माने साथ में था, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, लेकिन आ माने नहीं, माने अब नहीं करेगा। देखो लिखा हुआ, वैसा प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वो लोग थोड़ा सुन, जो लाइट का तार होता है वो हिल गया था, जिससे दिक्कत हो गया था। तो देखते रहिए आगे की ओर। असंग जनन माने होता है अमन इन संग माने साथ में, जनन माने रिप्रोडक्शन। सर जी संग माने साथ में थे तो पहले रिप्रोडक्शन करते थे सेक्सुअल, अब साथ में नहीं है तो कुछ करेंगे एसेक्सुअल। माने वैसा पौधा, कुछ ऐसा भी पौधा होते हैं बाबू जो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, पहले लड़का लड़की की जरूरी पड़ता था, अब लड़कियां के लड़का की जरूरी नहीं पड़ता है, तो नहीं पड़ता है और ऐसा ही बच्चा को जन्म दे देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, एपोमिक्स। क्या कहते हैं, एपोमिक्स। माने वैसा प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है, इस घटना को क्या कहते हैं, एपोमिक्स कहते हैं। बहुत लोग ऐसे प्लांट्स बिना निषेचन के ही बीज को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। माने वैसा पौधा जो लैंगिक जनन पहले करता था और अब अलैंगिक जनन करने लगा, तो बताओ एक ही लिंग वाला ना होगा। तो जब एक लिंग वाला होगा बहुत लोग, तो ऐसे लिखा गया ऐसे प्लांट्स बिना निषेचन के, बात सही है, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की क्षमता इसमें होती है, कैपेसिटी होता है। अब बताओ जब कैपेसिटी होता है तो कब, एक ऐसा सूर्य भगवान है जो बिना करंट के होता है। लेकिन बाबू लोग समझेगा, सूर्यमुखी कुल के जितने भी जो पौधे और घास है, ये सब पौधे और घास असंग जनन करते हैं। बताओ असंग जनन माने सूर्य भगवान का जिस पे आशीर्वाद पड़ जाता है, उस समझ जाओ उसमें बिना सेक्स किए हुए बच्चों को जन्म दे सकता है। जैसे कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र आप पढ़े होंगे, उसमें कर्ण था, जब सूर्य भगवान आशीर्वाद दिए थे कुंती को, तब ये कर्ण जन्म ले लेते। उसी प्रकार इसमें भी कि जब बाबू पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरी पड़ता था, जब से सूर्य भगवान आ गया, तो सूर्य भगवान आ गया तो इसमें सूर्यमुखी कुल के जितने पौधा और घास होते हैं, इसमें क्या होने लगते हैं, असंग जनन होते हैं। अब आगे अनिषेक जनन, कुछ प्लांट्स में बिना निषेचन के, बिना निषेचन के क्या बन जाते बाबू, फल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे केला, अनानास, अंगूर एटीसी, केला, अनानास, अंगूर एटीसी, केला, अनानास, अंगूर एटीसी। माने बाबू लोग अनिषेक, आ माने नए निषेक माने निषेचन, और जा माने जनन, माने आ माने नए नी माने निषेचक, और जा आती जनन माने पैदा करना। तो बाबू आ माने न हो गया निषेक माने निषेचन, माने बिना निषेचन के अगर कोई भी प्लांट्स आदि फल को उत्पादन कर दिया, बिना निषेचन के यदि फल को उत्पादन कर दिया, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। एग्जांपल में केला, अनानास, अंगूर एटीसी होती है। अब आगे भ्रूणोद्भव, जिस इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बाबू लोग जायगोट से भ्रूण बनने तक की सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, सही प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस। माने जायगोट से जब भ्रूण बनता बाबू, जायगोट से भ्रूण बनने में समसूत्री विभाजन होता, माइटोसिस होता। क्या होता बाबू, माइटोसिस होता। अच्छा माइटोसिस होता है तो क्या बनता है, इम्ब्रियो। क्या बनता है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो माने भ्रूण। जब बाबूलोग युग्मनस से समसूत्री विभाजन होता है कई बार, तो ये विकसित होकर भ्रूण बनाता है। इस भ्रूण जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव, भ्रूण प्लस उद्भव माने भ्रूण के विकास हुआ। कब, सर्दी जायगोट में जब समसूत्री विभाजन हुआ तब। जब जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है तो भ्रूण बनता है, जब जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है तो भ्रूण बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू, भ्रूणोद्भव अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो बाबू लोग जायगोट से भ्रूण बनने तक की सभी क्रियाओं को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब आगे भ्रूण विज्ञान, इम्ब्रियोलॉजी। भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाती है, स्टडी करना क्या कहलाती है बाबू लोग, इम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्ब्रियोलॉजी। तो बाबू लोग भ्रूण का अध्ययन करना इम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, और जायगोट से भ्रूण बनने की क्रियाओं को क्या कहते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब अगला पॉइंट, इंडियन इम्ब्रियोलॉजी का जनक जो होते हैं वो पंचानन महेश्वरी। इंडिया के जो इम्ब्रियोलॉजी का जो फादर है, बहुत लोग भी जितने भी प्रकार के भ्रूण हैं उन सभी भ्रूणों का अध्ययन करना इम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, भ्रूण विज्ञान कहलाता है। भारत के भ्रूण विज्ञान का जनक पंचानन महेश्वरी, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो बहुत लोग एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्या कि सर जी बहुभ्रूणता माने, बहुभ्रूणता की इंग्लिश में कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनी, माने कहने का मतलब बहु माने अधिक होता, भ्रूण माने भ्रूण होता। बहुत लोग एक बीज में, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होता है उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीइम्ब्रियोनी की खोज सर्वप्रथम लिविन हॉक ने कब, 1719 ईस्वी में संतरा में किए थे। बहुत लोग ट्रिक है क्या कि सर 17 से लेकर 19 की उम्र ज्यादा ले वाले की टाइम होता है उसी कहते हैं लिविन हॉक, माने लेके हॉक दिया कब, 1719 में। अब आगे असंग जनन माने अपोमिक्स।
अमन इन्हें होता है संग माने साथ होता जनन, माने जब सूर्य भगवान नहीं था तब पहले साथ में सुतने का मौका मिलता था लड़का लड़की को, लेकिन जब से सूर्य भगवान किरने देने लगते हैं तो बताओ दिन में होता है उतना जल्दी, जब भी होता है तो रूम के अंदर बड़े सूर्य भगवान के हट के आज एकदम सूर्य भगवान सहायता हो गया, उपरम जरूरी नहीं। तो देखो बाबलू असंग जनन वैसा प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न करके माने लैंगिक जनन न करके एक दूसरे से सट के ना, एक पहले एक दूसरे से सटता था अब वाली न करके अब अकल्य अकल्य कौन कर सकता, बात कौन से याद रखना फीमेल प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स बाबू फीमेल प्लांट्स ऐसे कर सकता है, बतिया ध्यान में रखना लड़का लड़का नहीं कर सकता, जब भी ऐसा कंडीशन करता है तो लड़की, जैसे कुंती कुंती के ऊपर सूर्य भगवान आशीर्वाद दिया तो कुंती के क्रोध साथ सुते की जरूरी पड़ा और करने जन्म ले लिया, उसी प्रकार यहाँ पर भी बाबलोक असंग जनन वैसा प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है, इस घटना को क्या कहते हैं एपोमिक्स कहते हैं। आगे ऐसे प्लांट्स में बिना निषेचन के क्या बीज पैदा करने की क्षमता विकसित कर लेती है, जैसे एग्जाम्पल सूर्यमुखी कुल के कुछ पौधा तथा घास, बाबू जब जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है तिम्रियो बन जाता है भ्रूण बन जाता है, तो बाबू लोग इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भव कहते हैं। आगे लिखा हुआ बाबू लोग अनिश्चय जनन पार्थेनोकार्पी, जब कुछ प्लांट्स में बिना नहीं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं बाबू लोग जो बिना निषेचन के फल को जन्म दे देगा, फल को उत्पत्ति कर देगा, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो बिना निषेचन के नए फल को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे केला अनानास अंगूर इटिसी। सर भ्रूणोद्भव तो भ्रूण प्लस उद्भव माने जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है तो बताओ जब भ्रूण का विकास होता है बाबू लोग क्या, जब देखो जायगोट से भ्रूण का बनने की सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं भ्रूणोद्भव कहते हैं, जायगोट से लेकर भ्रूण बनने तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग बाबू लोग भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अगला पाठ एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, और इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है बाबू लोग तो पंचानन महेश्वरी, कौन है बाबू लोग पंचानन महेश्वरी। तो गाना क्या है, अरे ये तो है दिल भर महबूब का वादा तोड़ने से ना टूटे ये दोनों का वादा, माने सुतने से ना हटे ना, तो बोलो ये है, ये तो है दिल भर महबूब का वादा, ये तो है दिल भर महबूब का वादा और तोड़ने से ना टूटे पढ़ाई का वादा, तो पढ़ते रहिए बायोलॉजी मस्त तरीका से पढ़िए बाबू लोग। देखो और कहता है क्या कि तैरना है तो समुन्द्र में तैरो नालों में क्या रखा, ये बात गलत है, अरे तैरना है तो नालों में तैरो समुन्द्र में क्या रखा, क्योंकि नाला में तैरने से आपको बहुत सारे कचरा आती है मतलब बहुत सारी दिक्कतें आते हैं और यही सारी दिक्कतें आपको मजबूत बनाते हैं, जब नालों में तैरना सीख लोगे तो समुन्द्र में आसान तरीका से तैर लोगे, नहीं तो और सबसे ज्यादा मुश्किल नालों में होती है, और जो नालों में तैरता है उसी को पता क्या है, जैसे हम लोग घर के नगर निगम जो होते हैं जो बाबू लोग जो नाला में अंदर हेल के कचरा को निकालते कितना मुश्किल होता होगा, उतना समुद्र के अंदर भी मुश्किल नहीं होता जितना नाला में होती है। तो बाबू लोग जो लिखा होगा ये बातें कि तैरना है तो समुन्द्र में तैरो नालों में क्या रखा, ये गलत बातें लगभग हमको लगता है, अरे बाबू लोग तैरना है तो नालों में तैरो समुद्र में क्या रखा, क्योंकि नालों में तैरने से बहुत सारी अड़कने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।